दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग, जिसे कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। मुख्य रूप से दार्जिलिंग पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला है फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। वहाँ से शेयरिंग टैक्सी करके आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रेन से। अगर आप ट्रेन से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपको NJP उतरना पड़ेगा। NJP रेलवे स्टेशन से आप शेयरिंग टैक्सी करके दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको NJP से 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। तीसरा भी एक ऑप्शन है, जो कि है टॉय ट्रेन, जिसे हम हिमालयन रेलवे भी कहते हैं। पर नॉर्मली इसकी टिकट मिलती नहीं है, ये पहले से बुक ही चलती है। अगर आप टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग जाते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। दार्जिलिंग अपनी दो चीज़ों के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन बना हुआ है, जिसमें से पहला है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाने वाली कंचनजंगा व्यू, और दूसरा है यहाँ के टी गार्डन। दार्जिलिंग के टी गार्डन बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप व्लॉगर हैं तो आपको यहाँ के टी गार्डन ज़रूर देखने चाहिए। यहाँ से बहुत सारी टी एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो आप भी यहाँ से टी खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग ब्रिटिश टाइम से एक बहुत फेमस हिल स्टेशन रहा है। दार्जिलिंग अपना बॉर्डर 3 देशों के साथ शेयर करता है, जिसमें से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम घूमने के लिए 4 से 5 दिन ज़रूर रखें। दार्जिलिंग में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं, जैसे कि बतासिया लूप, दार्जिलिंग का बोटेनिकल गार्डन, दार्जिलिंग जाते हुए मेरिक, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप घूम सकते हैं। दार्जिलिंग में बहुत फेमस मॉनेस्ट्री भी है, जो कि आपको देखने में बहुत पसंद आएगी। आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय दार्जिलिंग जाते हुए करेंगे। वो जो रास्ता है जिससे आप NJP से दार्जिलिंग पहुंचेंगे, उस बीच में आपको दार्जिलिंग की असली खूबसूरती देखने को मिलेगी। आप चाहे तो उस व्यू को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये देखने में बहुत सुंदर दिखता है। दार्जिलिंग पहुंचकर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी आने नहीं वाली है। दार्जिलिंग में आपको ठीक ठाक बजट में होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ का खाना भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर अगर आप लोकल फूड लेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपको ज़्यादा टेस्टी लगेगा और थोड़ा आपके बजट में भी आ जाएगा। क्योंकि दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है तो इसलिए यहाँ पे ठंड होना तो नॉर्मल सी बात है, पर यहाँ का वेदर भी थोड़ा अजीबोगरीब रहता है। यहाँ पर कभी भी बारिश पड़ जाती है, कभी भी धूप निकलती है, और ठंड तो हमेशा रहती ही है। तो इसलिए आप गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें अगर आप दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं तो। दार्जिलिंग कभी सिक्किम का ही एक हिस्सा हुआ करता था, पर 1835 में अंग्रेज़ों ने इसे एक हिल स्टेशन की तरह डेवलप किया। दार्जिलिंग के टी गार्डन और दार्जिलिंग की हिमालयन रेलवे, जिसे हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने ही की थी। दोस्तों, दार्जिलिंग में ऐसी बहुत सी जगह है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए, जैसे कि टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स दार्जिलिंग का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहां पर आप सनराइज होते हुए देख सकते हैं। दार्जिलिंग में बतासिया लूप में भी घूम सकते हैं, जो कि घूमने के लिए एक बहुत सुंदर जगह है। यह एक रेलवे ट्रैक के साथ साथ एक वॉर मेमोरियल भी है, जो 1995 में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा सोल्जर्स की याद में बनाया गया था, जिसे देखने के लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। यहाँ के टी गार्डन, दार्जिलिंग के टी गार्डन बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको यहाँ के टी गार्डन ज़रूर देखने चाहिए। यहाँ से बहुत सारी टी एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो आप भी यहाँ से टी खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग ब्रिटिश टाइम से एक बहुत फेमस हिल स्टेशन रहा है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम घूमने के लिए 4 से 5 दिन ज़रूर रखें। दार्जिलिंग में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। दार्जिलिंग में बहुत फेमस मॉनेस्ट्री भी है, जो कि आपको देखने में बहुत पसंद आएगी।
दार्जिलिंग, जिसे कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। दार्जिलिंग ब्रिटिश टाइम से ही एक बहुत फेमस हिल स्टेशन रहा है। दार्जिलिंग अपना बॉर्डर 3 देशों के साथ शेयर करता है, जिसमें से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम घूमने के लिए 4 से 5 दिन ज़रूर रखें। दार्जिलिंग में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं, जैसे कि बतासिया लूप, दार्जिलिंग का बोटैनिकल गार्डन। दार्जिलिंग जाते हुए मेरी और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप घूम सकते हैं। दार्जिलिंग में बहुत फेमस मॉनेस्ट्री भी है जो कि आपको देखने में बहुत पसंद आएगी।